राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। उप जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह के साथ छात्र नेताओं की हुई वार्ता के बाद छात्र संघ ने अपनी सहमति प्रदान की है। छात्र संघ के सकारात्मक रुख पर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पेश सुरेश पांडे की रिपोर्ट। बागेश्वर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बीते 22 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र संघ ने व्यापक जनहित को देखते हुए अपना विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। उपजिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने महाविद्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं के साथ बातचीत की तथा उनसे जनहित में आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया। वार्ता के दौरान छात्र नेताओं ने प्रशासन के समक्ष कुछ समस्याएं रखी, जिनके समाधान का भरोसा प्रशासन ने दिलाया है। इधर छात्र संघ का विरोध प्रदर्शन समाप्त होने पर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। छात्र संघ व प्रशासन की सकारात्मक वार्ता के बाद बागेश्वर महाविद्यालय में कोविड केयर सेंटर बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हम पिछले 22 दिनों से छात्र संघ एवं समस्त छात्र संगठनों का एक धरना प्रदर्शन महाविद्यालय में बन रहे कोविड सेंटर के विरोध में हो रहा था, लेकिन आज जिस प्रकार प्रशासन से लगातार वार्ताएं हो रही थी और उसके बाद भी जो वार्ताएं थी वो विफल रह रही थी, तो उसके बाद प्रशासन से एक पूरे जो ये ढांचा बनाया जा रहा है और जो तैयारियाँ हो रही हैं उसका स्थल पर ही जायजा लेकर एक बार यहाँ पर SDM महोदय एवं अन्य अधिकारीगण यहाँ पहुँचे और उसके बाद विभिन्न शर्तों के साथ, जिससे कि छात्र छात्राओं को आने वाले समय में कोई भी परेशानी ना हो, और उन्होंने हमको ये भी आश्वासन दिया अगर परिस्थितियाँ बहुत ही खराब हो जाती है उस स्थिति में ही महाविद्यालय भवन का उपयोग कोविड सेंटर के रूप में किया जाएगा, अन्यथा महाविद्यालय भवन में जो कोविड सेंटर बनाने का प्रावधान है ये सिर्फ आने वाली जो परिस्थितियों के लिए एक एहतियातन बढ़ती जा रही है आने वाले समय के लिए, तो उसके संदर्भ में आज यहाँ पर सहमति बनी। जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हुए थे कि जो है जो सेकेंड वेव है कोविड की, उसके दृष्टिगत अगर लोड अधिक होता है तो हमारे पास एक प्रिपेयर्डनेस के रूप में जो है एक कोविड केयर सेंटर की स्थापना की जाए। उसके लिए जो है हमने जो डिग्री कॉलेज जो बागेश्वर था उसका जो नया भवन था जो अभी हैंडओवर नहीं हुआ वो चिन्हित किया गया था। उसके संबंध में छात्रों के जो है कुछ कंसर्न थे, कुछ चिंताएँ थी कि जो है इससे उनकी सुरक्षा और जो है अन्य गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक हो जाएंगी, तो उनसे कल वार्ता भी हुई है। उसमें व्यापक तरीके से उन्हें बताया गया है कि जितनी भी चिंताएं छात्र संघ की हैं उनकी सुरक्षा का प्रायोरिटी के साथ ध्यान दिया जाएगा और वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया हुआ है कि इसमें जो है कोविड केयर सेंटर जो है बनना है, और इसमें छात्र संघ पदाधिकारियों ने जो है सभी छात्रों के साथ समन्वय करने के बाद जो है मानवता का परिचय देते हुए अपने एज ए ड्यूटी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने जो है अपनी सहमति दी है। उसमें उनके कुछ कंसर्न है जिसको कि जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया जाएगा।